जी बिल्कुल, बात करेंगे अब हम साविया से और इनसे होम रेमेडी जो हमने फेशियल बनाना है तो वो सीखेंगे। तो कैसे बनाती हैं, बेसन का इस्तेमाल करती हैं आप, अच्छा, क्या करना ऐसा है कि मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा फेशियल है कि आप डेली रात को करके सो सकते हैं, ठीक है। 15 डेज बाद आपको इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेशन करेंगे तभी आपको इसका ना वो उसका बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आफ्टर बिफोर आपको कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमने थोड़ा सा बेसन लिया, इसके साथ हम रॉ मिल्क लेंगे। अब हमारे पास रॉ मिल्क नहीं है, हम सबसे पहले क्लिनजिंग किस तरह करेंगे, हम थोड़ा सा एक चम्मच बेसन लेके इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, पानी हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। बेसन को चाहे आप अपने वॉश बेसन के ऊपर भी रख लें, लेकिन ये मैं बात ऐड कर दूं, वो वाली स्किन जो ऑयली होती है वो बेसन से अपनी स्किन का मसाज नहीं करेंगी। अच्छा, लेकिन हमने अक्सर ये सुना है कि जिन लोगों को एक्ने होती है या जिनकी स्किन ऑयली है तो वो जो है बेसन से मुंह धो सकते हैं, इससे जो है एक्ने जो है कंट्रोल होती है। अच्छा, जो एक्ने कंट्रोल होती है, हाँ। लेकिन इसके अंदर जब हम बेसन ऐड करेंगे, सिंपल बेसन लेंगे या फिर हम इसके अंदर विटामिन सी लेमन का एक ड्रॉप ऐड करेंगे, हम इसके अंदर मिल्क ऐड फिर नहीं करेंगे, क्योंकि मिल्क ही जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद आशा देखिए, हमने इस तरह सिंपली पेस्ट बना लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने थिक फॉर्म में बनाया है क्योंकि हमने थोड़ा सा डेमो करना है। अच्छा, हम इसको इस तरह थोड़ा सा उठाएंगे अपनी स्किन के ऊपर, सिंपल लगा के राउंड सर्कल मोशन में हम इसका मसाज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बेसन जो होता है वो चने के बना होता है, चने को ग्राइंड करके बना होता है। ऑटोमेटिक जब चने का पाउडर आप स्किन के ऊपर लगाते हो तो वो स्किन को थोड़ा सा टाइटनिंग की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में जो आ जाता है, ठीक है। हम इस तरह इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इसका हम मसाज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिंपल पानी से फेस को वॉश कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये आप अपने फेस पर भी ट्राई कर सकते हैं, ये फेस के ऊपर ही ट्राई कर सकते हैं, गर्दन पर भी, नेक पर भी कर सकते हैं, अपने हैंड्स पर। अच्छा, वो वाली स्किन, हाँ, जिनके अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है, ठीक है, जो खुश्क स्किन होती है, ड्राई स्किन, जिनमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस का लेवल आ जाता है, ठीक है, वो वाली स्किन जो है वो अपने जब भी क्लिनजिंग करें डेली, दिन में 2 से 3 मरतबा अपने पास थोड़ी सी कटोरी में बेसन रख लें, वॉश बेसन थोड़ा सा उठाया, पानी डाला, इसका सिंपल सा मसाज पेस्ट बनाया और इसका फौरन अपनी स्किन की क्लिनजिंग कर ली। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उनका सीबम्स बनना शुरू हो जाएगा, उनकी रिंकल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, वो एंटी एजिंग में आना शुरू हो जाएंगी स्किन, वो यंग एज होने शुरू हो जाएंगे, उनकी टोन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी और एक इतनी अच्छी और स्मूथ ग्लो आएगी कि वो खुद फील करेंगे कि अब मेरी स्किन जो है वो सेटिंग की तरफ आ रही है।